नमस्कार, मैं वन्ना, आप देख रहे हैं NBC 24। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की उच्च माध्यमिक यानी प्लस टू स्कूलों के सुविधा के लिए बिहार सरकार एक बड़ी योजना बना रही है। पटना IIT ने शिक्षा विभाग को दिया है प्रस्ताव। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1,20,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, प्रत्येक प्रयोगशाला पर 1,20,000 रुपए खर्च अनुमानित है। इसके लिए IIT पटना ने एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है। यह प्रस्ताव फिलहाल पटना जिले के चुनिंदा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से IIT की प्रस्ताव पर अमल करने की तैयारी हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे और देखे भी होंगे कि बिहार के स्कूलों में प्रयोगशालाओं की हालत बेहद खराब है। कई हाई स्कूल में तो बच्चे बगैर प्रयोगशाला में एक दिन जा ही परीक्षा पास करते हैं। अब बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ये तो वही जाने। इसका असर उनके ज्ञान और कौशल पर पड़ता है। राज्य में तकरीबन 8,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिनमें चरणबद्ध तरीके से विशेष प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। प्रयोगशालाओं का स्वरूप कैसा हो, इस पर IIT के विशेषज्ञ से भी विचार विमर्श कर डिजाइन और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। IIT ने जीव विज्ञान, भौतिकी, गणित और रसायन शास्त्र विषय के लिए अलग अलग विशिष्ट प्रयोगशाला की स्थापना के लिए जो प्रस्ताव दिया है, उस पर शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से विषय विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। छात्र छात्राओं के लिए चलंत प्रयोगशालाओं की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव पर भी अमल करने की सहमति दी है। फिलहाल ग्रामीण और शहरी इलाकों के गिने चुने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक कक्षाएं कराई जाती है। ऐसे ही छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।